मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा चंबल लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार किशन कपूर के चुनाव का शंखनाद किया। बैजनाथ में विशाल महिला सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी भी दो बेटियां हैं, लेकिन लोगों के मन से अभी भी ये बुराई नहीं निकल पा रही है। शांता कुमार ने किशन कपूर, जिनका नाम किशो बोला गया है, अब भविष्य में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाएगा। उन्होंने शांता कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि शांता कुमार का यह कहना है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़वाने का मजा लूंगा। इस वक्तव्य से उन्हें खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि इस समय कुछ लोग टिकट ना मिलने के कारण नाराज होकर घर में बैठ गए हैं, जबकि शांता कुमार ने घर से निकलकर पार्टी प्रत्याशी के लिए काम किया है। हमारा वोट देश के लिए है, और पिछली बार शांता कुमार ने ये सीट 1,70,000 के ऊपर से जीती थी, जबकि इस बार ये मार्जिन 2.25 लाख होना चाहिए। लेकिन अब राजनीतिक बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब किशोर भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका नाम किशोर भाई आज ही पता लगा। किशोर कपूर जी का घर का नाम किशोर, प्यार का नाम किशोर है, और बहुत लंबे समय से यहां पर आ गई। बहुत सारी चीजें शांकर जी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा, लड़ूंगा, सोचने लगे। बहुत सारे नाम, बहुत सारी चर्चा। पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि आपकी बात किशोर भाई को अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए, और मुझे इस बात की खुशी है शांता कुमार जी के बाद उसी कवि के मुकाबले के हमारे ईमानदार नेता के रूप में किशोर भाई आपके जोड़े। और ये शुरुआत में कह सकता हूं, जहां आदमी शांता कुमार जी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, जहां गुरु का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं जो आदमी श्री शांता कुमार जी ने कहा कि 1,73,000 से वो जीते थे, अब की बार 2.25 लाख से 2.25 लाख से हमारे जीते। क्योंकि पिछली बार 2014 में हमने 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में चारों जीती, और हमको पत्रकार पूछ रहे थे, हमने कहा कि काश हिमाचल प्रदेश में सीटें ज्यादा होती, हम ज्यादा देते। तो 4 हैं, 4 जीती, 4 फिर से जीती। तो हमने एक ही बात कही, देश में नारा है अब की बार 400 बार, और हिमाचल में अब की बार फिर 4 जीता। बच्चे जो वोट डालने जा रहे हैं उन्हें कितना चिंतन किया, कितना सोचा होगा। कई बार हम जाते हैं वोट देने के लिए, जाते हैं, सोचते हैं, देखते हैं किसको वोट डालना है, लेकिन बच्चों ने पहला वोट डालने के लिए तय कर लिया कि हमारा वोट देश के मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी को जाएगा, देश के लिए जाएगा और देश की सुरक्षा के लिए। अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि मैंने चुनाव लड़ना छोड़ा है, ना कि चुनाव लड़वाना, जब तक सांस है राजनीति नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उधार लेकर या लीज पर उम्मीदवार लिए जा रहे हैं। उन्होंने सुखराम का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे लोग पर्यटक की तरह होते हैं, और जैसे जैसे मौसम करवट बदलता है वैसे वैसे ये लोग अपनी दिशा भी बदलते हैं। आनंद हासिल करेंगे ये कहो जनता के सामने। बात है, कार्यक्रम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण कई विषयों से, और सबसे बड़ा कि मैं बहुत सफल चुनाव की राजनीति को छोड़ रहा हूं, राजनीति नहीं छोड़ रहा, भाजपा में राजनीति में जीवन के अंतम क्षण तक काम करता रहूंगा, लेकिन चुनाव लड़ना छोड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल की सरकार और पार्टी को आज चुनाव के मैदान में हम सबसे आगे हैं, सबसे आगे। हमने आज ही पिछाड़ दिया सबको, बहुत पीछे रह गई कांग्रेस, संगठन का जबरदस्त ताना वाना बन लिया, पोलिंग स्टेशन ही नहीं,
अन्ना प्रमुखता